दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मिनी टूलबार के बारे में डिस्कस करेंगे। मिनी टूलबार क्या होता है? देखिए, मिनी टूलबार का यूज़ वी ऑल नोज अबाउट द मिनी टूलबार, क्योंकि दोस्तों अपने जो भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसमें भी हमारा मिनी टूलबार का ऑप्शन जो है हर जगह पर यूज़ होता है। ठीक है, किसी भी तरीके का हम टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मिनी टूलबार का यूज़ हमारा जो ऑप्शन है वो हर जगह हमारा यूज़ होता है। ठीक है, अब मान लो कि अगर एक्सेल की बात करें तो सपोज़ कि हमारा जो मिनी टूलबार है वो दोस्तों नॉर्मली होम टैब के अंदर होता है। यहाँ पर जो होम टैब है, होम टैब के अंदर दोस्तों ये जो आप एक तरीके का टूल बार देख रहे हो, ये जिसके अंदर से हम बहुत सारे कुछ ऑप्शंस को ऑपरेशंस को डन कर सकते हैं, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, मिनी टूल बार होता है। ठीक है, सपोज कि कहीं पर भी हम कोई भी किसी भी सेल के अंदर कोई भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, सपोज कि इस तरीके से हमने इसको ले लिया और बॉर्डर इसको दे दिया। ठीक है, अभी मान लो कि हमने कोई सा भी इसमें टेक्स्ट टाइप किया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका टेक्स्ट टाइप किया। अभी देखिए कि हमने जैसे इसको कंट्रोल ए किया और जैसे ही हम इसको राइट क्लिक करेंगे या फिर अपने मन से ये चीज़ दिखाने लगता है। बी से इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट कलर दे सकते हैं, इसको हम बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर सकते हैं और इसी तरीके से हम इसके जो भी है अलग अलग तरीके के कुछ एक ऑप्शंस को हम देख सकते हैं। इसमें जो है जिस भी साइज़ से हमको सेट करना है तो उस तरीके से हम अपना सेट कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से, और जिस भी राइटिंग को हमको लेना है तो उस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं हमारे नॉर्मली मोबाइल फ़ोन्स में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और होम टैब के अंदर अगर आप वर्क एमएस वर्ड वगैरह में काम करते हो तो होम टैब के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं तो उसमें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जो भी फॉन्ट जो भी चाहिए आपको, जिस भी तरीके से चाहिए। तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, मिनी टूल बार बोलते हैं। तो किसी भी तरीके के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप जैसे ही कंट्रोल ए करते हो कहीं पर भी और राइट क्लिक करते हो दोस्तों, मिनी टूल बार का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी टैब के अंदर हो वो बात अलग की है, आप किसी भी कहीं भी टैब के अंदर हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। जो मतलब है दोस्तों वो आपको क्या करना है, सपोज़ कि हम डेटा टैब के अंदर हैं, अब अगर हमको मिनी टूल बार का यूज़ करना है दोस्तों तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर सबसे पहले होम टैब के अंदर जाएंगे, उसके बाद में जा करके करेंगे। लेकिन ऐसा हमको कुछ भी नहीं करना है, आज से हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कोई भी मान लो हमने टेक्स्ट टाइप किया कि कोई सा भी हमने मान लो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, ऐसे हमने कोई सा भी टेक्स्ट टाइप किया, इसमें अगर हमको मिनी टूल बार की ज़रूरत है तो हम इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं, इसके फॉन्ट कलर को देना चाहते हैं, तो इसको हमको जस्ट कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है। देखिए, मिनी टूल बार हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब हम इसका अपने हिसाब से फॉन्ट कलर दे सकते हैं, इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं जिस भी तरीके से हमको चाहिए, उसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस हम इसमें करके आराम से मिनी टूल बार का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मिनी टूल बार क्या होता है ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। और लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने दोस्तों क्विक एसर टूल बार के बारे में डिस्कस किया था, तो इन सभी वीडियोस को आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं ये सारे वीडियोस। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक मत करना भूलिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।